गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। हमने बात की जब हम क्या कैसे लेते कैसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलाटाइल हो, है ना। और उसमें हमने रॉड्स लॉ के नियम के द्वारा देखा था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। इसी तरह हमने फिर बात करी कि जब सॉल्यूशन में एक वोलाटाइल कंपोनेंट हो, एक नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट हो, यानी जो सॉल्यूट है वो आपका नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट वोलाटाइल है, उसको ऐड करने पे हमने क्या पाया कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और ये एक आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम एक साथ वहां पे करेंगे, पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेपर प्रेशर का कम होना, वेपर प्रेशर का घटना यहाँ पे होता है ना। तो बच्चों इस तरीके से आपने चीजें देखी, है ना। हमने हेनरी लॉ के बारे में देखा था, हेनरी नियम हमने देखा था, और हेनरी नियम में हमने क्या किया था, हेनरी नियम में हमने उसके एप्लीकेशंस भी हमने किए थे और एप्लीकेशंस भी देखे थे, ठीक है ना। आज हमें क्या करना है, आज हमें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में समझना है कि भाई सॉल्यूशन, अभी तक आपने देखे सॉल्यूशन अलग अलग तरीके के, अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। पर उससे पहले हम जो हमारा जो टॉपिक कल हमने छोड़ा था उसको हम थोड़ा सा उसको आगे लेके जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो बच्चों चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको और अच्छे से करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमने बात की बच्चों कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो इसके बराबर होता है, चलिए ठीक है। अब हमने बात की आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस, ठीक है ना, कि भाई आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे, यानी आदर्श और अनादर्श विलयन आपके, ठीक है ना। आदर्श और अनादर्श विलयन की हम बात करेंगे कि भाई आदर्श और अनादर्श विलयन होते क्या है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। जैसे कि आप समझ ही रहे हो, आइडियल है ना, आइडियल कंडीशन कि सब सब चीज क्या हो, परफेक्ट हो। नॉन आइडियल थोड़ा सा उसमें परफेक्टनेस ना हो, परफेक्ट ना हो चीजें, है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श आदर्श एवं, ठीक है, अनादर्श, ठीक है ना, आदर्श एवं अनादर्श, अनादर्श विलयन, आदर्श अनादर्श विलयन, ठीक है ना। इसकी बात हम कर रहे हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन की हम बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए तो आदर्श और अनादर्श विलयन होते क्या है, ठीक है ना। हमने बात की कि हमारे पास सपोज कोई सॉल्यूशन तैयार हुआ, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन तैयार हुआ, या हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है ना। अब वो सॉल्यूशन कैसे बना होगा बच्चों, वो सॉल्यूशन कैसे बना होगा, दो चीजों को मिलाया होगा हमने, तब जाके क्या होगा, सॉल्यूशन बना होगा, है ना। सबसे पहले बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की, सबसे पहले बात करेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास क्या है, इस कंटेनर में लिक्विड ए है, लिक्विड ए कैसा है, प्योर लिक्विड ए है, प्लस एक और है हमारे पास, ये क्या है, प्योर लिक्विड बी है, क्या है, प्योर लिक्विड बी है। हमने इन दोनों को मिलाया और दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास क्या हुआ बच्चों, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ।
दोनों को मिलाया और दोनों के बाद हमारे पास क्या हुआ, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ, ए प्लस बी, ये सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया है ना, ये सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, हमने कहा कि भाई जो आपके पास प्योर लिक्विड है ए, उसका वॉल्यूम कितना है, सपोज V1 है। प्योर लिक्विड बी का वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, V2 हो गया। प्योर लिक्विड बी का वॉल्यूम हो गया आपके पास V2। अब जो सॉल्यूशन आया आपके पास है ना, सॉल्यूशन हमने क्या बच्चों, हमने क्या किया, दोनों वॉल्यूम्स को मिलाया तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन में V मान लेता हूँ, वो कितना हो जाएगा, V1 + V2 के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि तो आप ए और बी को मिला रहे हो, एक सॉल्यूट ले लीजिए एक सॉल्वेंट ले लीजिए, दोनों को मिला रहे हो और तब जाके क्या आ रहा है, V1 + V2 बन रहा है, इस तरीके से सॉल्यूशन बन रहा है। हुआ क्या होगा एक्चुअल में कि भाई ए में क्या है, ए के अपने मॉलिक्यूल्स हैं, ए में क्या है, ए के अपने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। बी में बी के अपने मॉलिक्यूल्स हैं, बी में बी के अपने मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब सॉल्यूशन तैयार हुआ तो इसमें ए के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, बी के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, ए के मॉलिक्यूल्स भी आ गए और बी के, ए के और बी के दोनों के मॉलिक्यूल्स आ गए। वो क्या रहा है एक्चुअल में हुआ क्या, ए और बी के मॉलिक्यूल, ए और बी के दोनों के मॉलिक्यूल्स आए हैं, है ना। तो जब ए और बी के मॉलिक्यूल्स आए तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हुआ, क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ होगा, है ना। ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन, पहले लिक्विड ए में सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स है, बी में सिर्फ बी बी के मॉलिक्यूल्स है, अब ए और बी के मॉलिक्यूल एक साथ आ रहे हैं तो वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटरेक्शन कर रहे हैं, बॉन्ड बना बना रहे हैं, है ना। और जो आपके पास ए के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड में और बी के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड में, वो क्या कर पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आपको, वो इंटरेक्शन को तोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होगा बच्चों, यहाँ पे ए ए के बीच की जो इंटरेक्शन है वो ब्रेक हो रही होगी, है ना। एक इंटरेक्शन यहाँ पे भी, बी और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है ये फॉर्म हो रहा होगा, तभी तो ए बी बन रहा, क्योंकि ए क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए, जब ए और ए का इंटरेक्शन टूटेगा तभी तो वहां पे बी आएगा, है ना। ए का इंटरेक्शन टूटेगा तभी तो वहां पे बी आएगा। आप सभी को पता है कि बच्चों जब भी बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी की आवश्यकता होती तो ये क्या करेगा बच्चों, इसको एनर्जी चाहिए है ना, एनर्जी, तो एनर्जी क्या करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, इसको एनर्जी चाहिए, एब्जॉर्ब करेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जबकि इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए बच्चों, ये भी, इसको भी एनर्जी चाहिए अब्जॉर्ब करने के लिए, अब्जॉर्ब करेगा। और एनर्जी किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, एनर्जी किसके फॉर्म, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे जब इंटरेक्शन, नया बॉन्ड बन रहा है तो नया बॉन्ड बनने के लिए बच्चों क्या होता है, नया बॉन्ड बनने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी वहां से रिलीज होगी। तो यहाँ पे जब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी आपकी, एनर्जी रिलीज होगी, है ना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम, एनर्जी एब्जॉर्ब करके बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है और यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करके नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारी की सारी कहानी हो रही है आइडल सॉल्यूशन में, ठीक है ना, आइडल सॉल्यूशन में सारी की सारी ये कहानी हो रही है। तो आइडल सॉल्यूशन हुए क्या, आइडल सॉल्यूशन हम किन्हें कहेंगे, है ना, हम आइडल सॉल्यूशन किन्हें कहेंगे, हम आइडल सॉल्यूशन उन्हें कहेंगे बच्चों जिनमें कि आपका जो कि रॉड्स लॉ को क्या करें, फॉलो करें, क्या करें, रॉड्स लॉ को फॉलो करें, ठीक है ना। आइडल सॉल्यूशन का जो पहला पॉइंट है क्या होगा बच्चों, विच फॉलोज रॉड्स लॉ, जो किसको फॉलो करे, रॉड्स लॉ को, ठीक
ठीक है ना, जो रॉड्स लॉ को फॉलो करे एट ऑल कंसंट्रेशन, एट ऑल कंसंट्रेशन, हर कंसंट्रेशन में जो रॉड्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। हर कंसंट्रेशन में जो रॉड्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल क्या होगा, वो आपका हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर में, हर कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर में, ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर में और हर कंसंट्रेशन में जो रॉड्स लॉ को फॉलो करता है वो आपका क्या होता है, आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है। और रॉड्स लॉ होता क्या है, रॉड्स लॉ है आपका कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है ना। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन के बराबर है। अब यहाँ पे रॉड्स लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है, रॉड्स लॉ को फॉलो करने का मतलब ये है कि जब आपने जो वेपर प्रेशर है ना, जो आपका प्रेशर है जब आपने ऑब्जॉर्व करा, ठीक है ना, आपने एक क्या करा, प्रेशर को एब्जॉर्व करा, मतलब ऑब्जॉर्व करा, देखा कि कितना प्रेशर आ रहा है एक्सपेरिमेंटली, और जो आपने प्रेशर को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग रॉड्स लॉ, अगर दोनों के दोनों सेम आ जाते हैं, दोनों के दोनों क्या आते हैं बच्चों, सेम आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये रॉड्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर दोनों के दोनों सेम आते हैं तो रॉड्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आप सिंपल भाषा में ये भी समझ सकते हैं, जो क्या करते हैं, जो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, है ना। जो रॉड्स लॉ को फॉलो करे हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन में वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा बच्चों क्या है, ठीक है ना, दूसरा क्या है आपका कि जो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्सर, जब आपने मिक्सिंग करा तो डेल्टा वी मिक्सर क्या हो आपका, डेल्टा वी मिक्सर आपका क्या हो, जीरो के बराबर हो, डेल्टा वी मिक्स क्या हो, जीरो के बराबर हो। अब यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स जीरो का क्या मतलब है, डेल्टा वी, डेल्टा का मतलब हमने बताया चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, पहले आपके पास लिक्विड ए का V1 था, लिक्विड बी का V2 था, है ना, V1 था V2 था, फाइनल आपके पास क्या हो गया, V हो गया, फाइनल क्या हो गया बच्चों, V हो गया। तो कोई भी चेंज नहीं आया वॉल्यूम में, कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी फर्क नहीं आया, अगर डेल्टा वी मिक्स क्या हो, जीरो हो, है ना, डेल्टा वी मिक्स क्या हो बच्चों, जीरो हो, मतलब मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बड़ा ना कम हुआ, इक्वल रहा। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब, जैसे कि ए ए के बीच में अट्रैक्शन थी, जैसे बी बी के बीच में अट्रैक्शन थी, वैसे जब नया बॉन्ड बना ए बी, उनके बीच की अट्रैक्शन सेम रही हो, तो डेल्टा वी मिक्स जीरो, है ना, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा वी मिक्स जीरो होगा तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तीसरी बात, जब डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एच मिक्स क्या हो, ये भी जीरो के बराबर हो। अब डेल्टा एच मिक्स जीरो के बराबर का क्या मतलब है कि जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, जितनी हीट रिलीज हुई है, दोनों के दोनों बराबर है। भाई यहाँ पे V1 था, ये V2 था और ये V था, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ए ए के बीच का इंटरेक्शन ब्रेक हुआ, बी बी के बीच का इंटरेक्शन ब्रेक हुआ, हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, दोनों में क्या हीट एब्जॉर्ब हुई, दोनों में हीट एब्जॉर्ब हुई। और यहाँ पे जब नया बॉन्ड बना ए बी, तो यहाँ पे हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, पीछे आपको बताया मैंने, हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। जब दोनों क्या हो, बराबर हो, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है बॉन्ड को तोड़ने में, उतनी हीट रिलीज हुई है बॉन्ड को बनाने में, दोनों बराबर हो, तो इसका मतलब डेल्टा एच मिक्स क्या हो आपका, जीरो के बराबर हो, है ना। आइडल सॉल्यूशन को क्या करेगा, आइडल सॉल्यूशन क्या करेगा बच्चों, फॉलो करेगा। और एक और बात हम क्या कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या हो, आइडियल सॉल्यूशन क्या हो, चौथी बात हम ये बोल सकते हैं कि जब आपका जो V है, V फाइनल है, जो नया वॉल्यूम आया वो V1 + V2 के बराबर हो, है ना, VF जो V फाइनल है वो V1 + V2 के बराबर आता है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। क्या क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन के, आइडियल सॉल्यूशन के हम क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी, आपकी बात कर लेते हैं, जैसे कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन के, एन हेक्सेन
प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन हो गया आपका, ये एग्जांपल हो जाएगा आपके पास, है ना। और क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया मिथेनॉल CH3OH प्लस C2H5OH एल्कोहल, ठीक है ना। मिथेनॉल और एल्कोहल सेम पोलर नेचर है और लगभग सेम साइज है इनका, सेम साइज भी होता है, पोलर नेचर भी लगभग लगभग क्या होता है इनका सेम होता है, ठीक है ना। इनका लगभग लगभग क्या है बच्चों, सेम है। तो ये एन हेक्सेन एन हेप्टेन हो गया आपका, ब्रोमोइथेन हो गया या क्लोरोइथेन हो गया, है ना। ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन C2H5Cl प्लस C2H5Br, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन का जो मिक्सचर होगा। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे बच्चों, आइडल सॉल्यूशन के क्या है, एग्जांपल है। अब इन आइडल सॉल्यूशन के बीच में ग्राफ बनता है, कि ग्राफ कैसा आता है आइडल सॉल्यूशन का, आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ इस तरीके से आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है ना, आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ। अब आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। हम आइडल सॉल्यूशन के ग्राफ की बात करते हैं कि भाई आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ है कैसा, इसको देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि आइडल सॉल्यूशन है क्या, ठीक। चलिए, जैसे कि मैंने बोला ये हमारे पास क्या है, प्योर लिक्विड ए है और ये प्योर लिक्विड क्या है, प्योर लिक्विड बी है। अब हमको पता है प्योर लिक्विड ए में मोल फ्रैक्शन 1 होगा, बी तो है ही नहीं, 0 होगा। यहाँ पे डेल्टा बी कितना होगा, 1 होगा, जीटा ए कितना होगा, 0 होगा। अब मैंने बोला सपोज यहाँ पे क्या है, पी नॉट है, प्योर लिक्विड ए का है, प्योर लिक्विड ए का है, प्योर लिक्विड ए का क्या हो गया बच्चों, पी नॉट ए हो गया, है ना। और इसी तरीके से प्योर लिक्विड बी का क्या हो गया, पी नॉट बी हो गया, ये क्या हो गया, पी नॉट बी। पी नॉट बी है ना। तो यहां से इसको मैं ऐसे, ये आपका यू आ गया, है ना, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, P टोटल हो गया, P टोटल आपका पी ए प्लस पी बी, है ना, पी ए प्लस पी बी, इस तरीके से आपके पास P टोटल हो गया, ठीक है ना, पी ए प्लस पी बी, इस तरीके से आपके पास P टोटल हो गया, ठीक है ना। समझ आया आपको P टोटल क्या है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आइडल सॉल्यूशन का, ये आपका आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। पी टोटल पी ए प्लस पी बी, पी टोटल क्या कहलाएगा आपके पास, पी ए प्लस पी बी आपका कहलाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, आइडल सॉल्यूशन हो गए हैं। अब बात करेंगे हम नॉन आइडल सॉल्यूशन की, ठीक है ना, नॉन आइडल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या हुए, नॉन आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, पहला डू नॉट फॉलो रॉड्स लॉ। एक तो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, है ना, रॉड्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। जो आपने प्रेशर ऑब्जर्व करा एक्सपेरिमेंटली, वो बराबर नहीं होता जो आपने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटेड लेके आए, है ना, तो वो आइडल सॉल्यूशन हो गया, नॉन आइडल सॉल्यूशन हो गया। दूसरी बात, जब डेल्टा वी मिक्स है वो जीरो के बराबर ना हो, ठीक है ना। डेल्टा वी मिक्स जीरो के बराबर कैसे ना हो, V1, V2 और V, यहाँ पे ए बी के बीच का इंटरेक्शन, सॉरी ए का इंटरेक्शन, बी का इंटरेक्शन और यहाँ पे ए बी का इंटरेक्शन, ये क्या हो, इंटरेक्शन सेम ना हो, जब है ना सेम ना हो तो डेल्टा वी मिक्स जीरो। तीसरी बात क्या हो जाएगी, कि जब डेल्टा वी
जब डेल्टा एच मिक्सचर ये भी क्या हो, जीरो के बराबर ना हो। कैसे? आपके पास वी वन वी टू और वी ए ए बी बी और यहाँ पर ए बी, यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्या है, एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब क्या हो, नॉट इक्वल हो हीट रिलीज के, है ना। हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज के इक्वल ना हो। जब इंटरेक्शन हुआ, ए ए का इंटरेक्शन टूटा, उस टाइम हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। और जब इंटरेक्शन बना ए बी का, तो हीट क्या हुई, रिलीज हुई। तो दोनों के में हीट जब क्या हो, बराबर ना हो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी डेल्टा एच मिक्सचर जीरो। तो तीसरी बात ही हो गई, ठीक है ना। चौथी बात क्या है, फोर्थ चौथी बात क्या है, आपके पास जब वी फाइनल, तो वी फाइनल है वो बराबर ना हो वी वन प्लस वी टू। मतलब आपके पास क्या है कि ये आपके पास वी वन वाला सॉल्यूशन है, ये वी टू वाला सॉल्यूशन है, और जो नया सॉल्यूशन आप मतलब सॉल्यूशन आया वी फाइनल, ये बराबर ना हो, तो ऐसा क्या कहलाता है, ऐसा क्या कहलाता है आपके पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी क्या होते हैं बच्चों, दो प्रकार के वो हैं, ठीक है ना, उन्हें हम पढ़ेंगे कल समय के अभाव के कारण। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं और सारी की सारी कंडीशन को फॉलो करते हैं, आइडियल कहलाते हैं। नॉन आइडियल जो उन्हें फॉलो नहीं करते। नॉन आइडियल के भी दो टाइप्स हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।